बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम के व्यूअर्स, कैसे हैं आप। गोशी किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं चना पुलाव, और उसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो चावल और आधा किलो चने। चनों को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, चने जो हैं वो टेंडर हो चुके हैं, और इसकी यखनी भी, मैंने यखनी को फेंकते नहीं है, इसको भी हम चावलों में यूज़ करेंगे। बाकी इन्ग्रीडियंट की तरफ चलते हैं। मैंने 1.5 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 4-5 मैंने टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, लौंग लिए हैं 4-5, और पिसी मिर्चें ली हैं 1 चम्मच, और एक ली है मैंने बड़ी इलायची, 2 मैंने तेज़पत्ते लिए हैं। काली मिर्ची मैं ज़्यादा डालती हूँ, तो ये मैंने 15 से 20 अदद ली हैं, क्योंकि इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो जूलियन कट मैंने अदरक ली है, 1.5 मैंने प्याज लिए हैं, एक बड़ा वाला और एक सिंपल छोटा, और उसको मैंने काट लिया है। और इसके अंदर मैंने 1.5 पाव घी मैंने डाल दिया है। तो चने के पुलाव में ज़रा घी ज़्यादा डलता है, और कुछ चावलों की अपनी भी क्वालिटी होती है, कुछ चावल कम घी लेते हैं और कुछ ज़्यादा। तो ये मैंने दही ली है 1 पाव, और हरी मिर्ची ली है मैंने थोड़ी सी, 4-5 टमाटर लिए हैं मैंने, और इसी के अंदर मैंने 2 फूल लहसुन अदरक के लिए थे, और ये 1.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और ये प्याज ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो इसके अंदर मैं वो पेस्ट बना के टमाटर हरी मिर्च का और लहसुन अदरक पेस्ट का, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। लेकिन अब प्याज, क्योंकि इसकी प्याज ज़रा डार्क रखनी पड़ती है पुलाव की, तो ये मैंने दही डाल दी है, साथ में इसमें मसाले मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। नमक मैंने कंप्लीट चनों में डाल दिया था, और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इसमें ऐड कर लेना। तो पिसा धनिया मैंने लिया है 1.5 चम्मच, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी भर डालूंगी ताकि मसाले के अंदर फ्लेवर रहे। और ये पेस्ट मैंने तक सारा ब्लेंड कर लिया है। इसमें मैंने लहसुन प्याज हरी मिर्च और टमाटर पीस लिए थे, क्योंकि इससे टाइम भी बच जाता है, और ये अच्छी तरह से टेंडर होके अरोमा इसका सही आ जाता है। तो घी के अंदर मैं सारे चने ऐड कर दूँगी, और इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको बस इसमें भूनना है। तो व्यूअर्स ये देखें, बाकी इसमें मैं यखनी ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने चनों की जो स्टॉक है वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो मैंने 2 किलो चावल लिए थे, तो मैंने इसके अंदर 7 गिलास पानी डाला है। तो मेरे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो ये ज़रा घी भी कम लेते हैं, और पानी भी ये 1 गिलास के अकॉर्डिंग लेते हैं, और दम पानी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। मतलब मैं जब मैं इसकी कनियाँ चेक करूँगी कि ये देखिए, अब ये चने और चावल हैं, तो ये पानी ज़्यादा अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो इस टाइमिंग में मैं अभी नहीं, थोड़ा सा मैं इसको और ड्राई करूँगी इसके पानी को, फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। और मैं हमेशा रुमाल की दम लगाती हूँ। व्यूअर, जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो व्यूअर ये देखें, इस कंडीशन में मैंने इस पर दम रुमाल की रख दी है। तो मैंने अब ये दूसरा चूल्हा यूज़ किया है, क्योंकि 20 मिनट के बाद ये देखें, अब ये आला रब्बी कुमा तो कज़ीवान, तो दम मैंने अब कर दी है। साथ में मैंने इसी के साथ चना चाट भी बना ली थी, रायता चने के साथ का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, यमयान हो। तो आप लोग इसको एंजॉय करें, लाइक करें, फीडबैक करें। गोशी किचन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।